वेलकम प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव में आप देखेंगे रेशनल नंबर, इससे पहले मैंने होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में वीडियो बना दिया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको डिफाइन करता हूँ। व्हेन यू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन एनी टू नंबर इन ए सेट, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स एंड आंसर विल स्टिल बी सेम। जैसे आपने कोई टू नंबर लिए ए प्लस बी, चलिए ऐसे मानते हैं कि 2 प्लस 3, फिर आपने जहां पर 2 था वहां आपने कर दिया 3, और जहां पर 3 था वहां आपने कर दिया 2। ठीक है, तो दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। 2 प्लस 3 5 हुआ और 3 प्लस 2 भी आपका 5 हुआ। तो यही आपकी प्रॉपर्टी कह रही है कम्यूटेटिव। तो मैंने होल नंबर और मैंने इंटीजर के बारे में आपको बता दिया, आप देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, इसी तरह से रेशनल नंबर क्या होता है मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और इसका रेशनल नंबर अगर आपको जानना है क्या होता है तो पूरा वीडियो में अलग से एक अपलोड करूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। रेशनल नंबर होता है प्यारे बच्चों जो ऐसी फॉर्म हो नंबर की जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। इसके अलावा पी और क्यू आपका इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर मीन्स -1 -2 -3। ठीक है, 0 +1 +2 +3, इस तरह से नंबर चलते जाएंगे आप। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं करता हूं एडिशन। देखिए मैं एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लूंगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट है आपका, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं तो पहला तो इन लोगों ने सॉल्व कर दिया था, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है आपका -2/3। चलिए ये भी मेरे साथ सॉल्व किया, चलिए वही एग्जांपल ले लेता हूं, -2/3 +5/7, ये इक्वल आना चाहिए 5/7। ठीक है, देखिए इसको चेंज कर देंगे, जो आपका यहां पर है उसको मैं यहां कर दूंगा, जो यहां पर है उसको मैं यहां कर दूंगा, +-k 2/3। ठीक है, इस तरह से चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका प्यारे बच्चों 21 आएगा। ठीक है, तो 3 7 = 21, इसका पहले डिवाइड करते हैं, 7 टाइम गया ना, अब 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 = 14, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 3 = 21, फिर से इसका इनसे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम गया ना, 3 5 = 15 इक्वल। चलिए आगे देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 21 बनेगा आपका, 7 3 = 21 और 3 5 = 15। ठीक है, प्लस देखिए 3 7 = 21 और 7 2 = 14। ठीक है, इस तरह से आपका बन के आएगा। जिस किसी बच्चे को नहीं आता है, देखिए यहां पर सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती हैं, फिर भी मैं एक आपको बता देता हूं कि इसका इसमें पहले डिवाइड करते हैं, जो भी आपका कोशेंट आता है उसका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखते हैं, 3 7 = 21, 7 टाइम गया ना, अब 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहां लिख दिया। आगे देखिए 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, 21। माइनस प्लस होता है प्यारे बच्चों माइनस, और साइन उसका आता है जिसका नंबर बड़ा होता है। देखिए यहां पर आपका 15 का नंबर बड़ा है, 15 का आपका पॉजिटिव का है, 14 आपका माइनस का है, तो ये आपका बड़ा होगा इसलिए पॉजिटिव का लिखेंगे, और पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते जब आंसर आता है। आगे देखिए प्लस माइनस, ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको मैं अगर मैं आपसे अलग करूं ना, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है इसका नहीं, सर इसकी बात कर रहा हूँ, 15 ब्रैकेट के बाहर अगर आपका पॉजिटिव का साइन होगा तो अंदर का साइन सेम टू सेम रहता है, तो आपका ये बनेगा। अब यहां से आप देख लीजिए 15 में से 14 जाएगा आपका 1 बचेगा अपॉन 21। देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एडिशन में ये अप्लाई करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है, पेज नंबर आप देखेंगे तो पेज नंबर 6 में है आपका, न्यू बुक है आपकी, तो -3/8 -3/8 +1/7। ठीक है, इक्वल टू इसी का उल्टा हो जाएगा इसमें, 1/7 -3/8। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, चलिएगा तो 8 7 का एलसीएम प्यारे बच्चों 56 आएगा। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, एलसीएम लेना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब कुछ वीडियो धीरे धीरे चलते रहेंगे, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 8 7 = 56, 7 टाइम गया ना, अब जो भी
जिस टाइम जाता है जो क्वेश्चन होता है आपका, सेवन क्वेश्चन आया ना, सेवन का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री सेवन थ्री या 21, माइनस का आ जाएगा आपका प्लस, सेवन एट या 56 और एट वन या 8 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम आपका 56 आएगा, सेवन एट जा 56 और एट वन जा 8, ठीक है, प्लस एट सेवन जा 56, सेवन टाइम गया ना, और सेवन थ्री जा 21, इस तरह से आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा, 21 में से आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 13, ठीक है। और देखिए माइनस प्लस में साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए यहां पर माइनस का बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, अपॉन 56 इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे, अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, 8 प्लस ब्रैकेट के बाहर जब पॉजिटिव का साइन होता है तो अंदर का साइन सेम टू सेम रहता है, माफ करिएगा, तो आपका ये माइनस का निकल के आएगा बाहर, ठीक है, इस तरह से अपॉन 56। चलिए देखते हैं, 21 में से 8 जाएगा आपका तो 13 बचेगा, साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए 21 का नंबर बड़ा है माइनस का 56, तो आप देख पा रहे हैं ये भी आपका इक्वल आ गया, मींस इसका ये हुआ कि एडिशन में अप्लाई करेगा, और मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं, तो 2/3 प्लस 5/7, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है, इक्वल टू 5/7 प्लस माइनस का 2/3, ठीक है, एग्जांपल आंसर आपका ये है, ठीक है, यहां पर स्पेस नहीं रहेगा तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आंसर यहां से आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने लिया -3/8 प्लस 1/7 इक्वल टू 1/7 प्लस माइनस के 3/8, ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया। चलिए आप देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट में देखते हैं, तो सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल आपका दिया गया 2/3 माइनस 5/4, 2/3 माइनस 5/4, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, देखिए एलसीएम आपका 12 आएगा ना, 3/4 या 12 और 4/2 या 8, ठीक है, माइनस ये पूरे में 12 कर लीजिए आप, ठीक है, माइनस रहेगा, 4/3 या 12 और 3/5 या 15, देखिए 8 में से 15 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 गया आपका 7 बचेगा, अपॉन 12, साइन किसका रहेगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, तो बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो माइनस आपका यहां आ जाएगा, अच्छा इसको ही इक्वल में और करेंगे, 5/4 माइनस 2/3, ठीक है ना, इसको क्या करना, एक्सचेंज करना है आपको, देखिए कैसे को सॉल्व करने पर ये आ रहा है आपका, एलसीएम 12 रहेगा आपका, 4/3 जा 12 और 3/5 जा 15, माइनस 3/4 जा 12, 4 टाइम गया ना, और 4/2 जा 8, 15 में से 8 गया, प्यारे बच्चों आपका बचेगा 7 अपॉन 12, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि 15 में से 8 गया आपका बच्चा 7, और साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए यहां पर 15 पॉजिटिव का है और 8 नेगेटिव का है, तो 15 वाला बड़ा है तो यहां पर पॉजिटिव का साइन आएगा, और पॉजिटिव का साइन आंसर में नहीं लगाते हैं, देखिए यहां पर आपका माइनस है, यहां पर आपका प्लस का है, इसलिए नेगेटिव में आपका ये अप्लाई नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, 1/2 माइनस 3/5, 1/2 माइनस 3/5, ठीक है, ये आपका अलग हो गया, ठीक, इसको अलग रखिएगा, ये अलग है, इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, ठीक, देखिए एलसीएम लेंगे आपका 10 आएगा, 2/5 जा 10 और 5/1 जा 5, माइनस 5/2 जा 10, 2 बार गया ना, 2/3 जा 6 इक्वल टू, इसका भी एलसीएम 10 आएगा, 5/2 जा 10, 2/3 जा 6, माइनस 2/5 जा 10 और 5/1 जा 5, देखिएगा माइनस प्लस आपका माइनस रहेगा, तो 6 में से 5 जाएगा 1 अपॉन 10, साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा, देखिए 6 का नंबर बड़ा है ना माइनस का, तो माइनस में आएगा, इक्वल टू 6 में से 5 गया 1 अपॉन 10, और ये आपका पॉजिटिव का रहेगा, देखिए यहां पर आपका माइनस का आ रहा है, इधर आपका पॉजिटिव का आ रहा है, तो ये आपका यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में आपका ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्या लिखेंगे एग्जांपल, 2/3 माइनस 5/4,
ठीक है, ये नॉट इज इक्वल टू किसके 5/4 अपॉन 2/3 के। एक एग्जांपल और लीजिए 1/2 माइनस 3/5, ये भी नॉट इज इक्वल टू है किसके 3/5 के माइनस 1/2 के। ठीक है चलिए ये आपका हो गया। आप देखें मल्टीप्लाई में, ठीक है चलिए मल्टीप्लाई में देखते हैं। मल्टीप्लाई चलिए मल्टीप्लाई में फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट की आप टेंशन ना लीजिए, जहां पर पॉजिटिव का वहां पॉजिटिव लगा दीजिए। जैसे अब आपका मल्टीप्लाई का आएगा ना तो इस तरह से आप करिएगा, ठीक है, और ये आपका इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर को रख के देखते हैं। चलिए आपका ये एग्जांपल में लेता हूं, -6/5 इक्वल टू होना चाहिए किसके 6/5 के इंटू -7/3 के। देखिए प्यारे बच्चों आपको कहीं ना कहीं इसमें सॉल्व करके नहीं दिए गए, कुछ एग्जांपल जैसे सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करके नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो 7 6 42 कैंसिल करने को कैंसिल भी कर सकते लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ चेक करना है। और 3 5 15 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस होता है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है ना, तो 6 7 42 और 5 3 15 और माइनस का आपका माइनस का आ जाएगा। देखिए यहां पर आपका इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो यहां पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक एग्जांपल और लेंगे, क्या मैंने एग्जांपल लिया आपका एनसीईआरटी का लेता हूं, -8/9 इंटू -4/7 ठीक, इसको चेंज करते हैं तो -4/7 इंटू -8/9 ये तो रहेगा, ठीक है इसको ब्रैकेट में लीजिएगा। चलिए 8 4 जा 32 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा 63 इक्वल टू 4 8 जा 32 माइनस माइनस कैंसिल होगा 7 9 जा 63। तो देखेगा कि यहां पर आपका इक्वल आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपका प्यारे बच्चों अप्लाई कर जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, -7/3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6/5 इंटू -7/3 ठीक, ब्रैकेट में रख लीजिए। इसका निकलेगा एग्जाम्पल -8/9 इंटू -4/7 ठीक है इज इक्वल टू -4/7 इंटू -8/9। चलिए ये आपका हो गया। अब बचा आपका डिवीजन में, चेक करते हैं डिवीजन को। अब बात करता हूं डिवीजन की, इसका फॉर्मेट क्या होगा, a डिवाइड बाई बी इक्वल टू आना चाहिए आपका b डिवाइड बाई a। देखते हैं आता कि नहीं आता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूं एनसीईआरटी का, -5/4 डिवाइड बाई 3/7 ठीक है 3/7 या जी हाँ बिल्कुल इक्वल में होना चाहिए कितना 3/7 डिवाइड बाई -5/4 ठीक है इस तरह से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला नंबर प्यारे बच्चों सेम रहता है, मैं काफी बार बता चुका हूं, डिवाइड आपका हटेगा मल्टीप्लाई आएगा और ये नंबर आपका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। ये नंबर सेम टू सेम रहेगा इंटू और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/-5 ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 5 7 जा 35 माइनस प्लस माइनस आएगा आपका 4 3 जा 12 ठीक है। देखिए क्या ये यहां पर आएगा 4 3 जा 12 अपॉन 7 5 जा 35 माइनस का। देखिए माइनस तो प्यारे चाहे ऊपर लगा लीजिए चाहे बीच में लगा लीजिए चाहे नीचे लगा लीजिए एक ही बात है, तो माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर 35/12 है और यहां पर आपका 12/35 है तो ये नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा ठीक है। तो यहां से मैंने देखा कि आपका ये डिवीजन में अप्लाई नहीं कर रहा है, तो मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं इसमें ठीक है, क्योंकि अप्लाई नहीं करेगा, कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। तो -5/4 डिवाइड बाई 3/7 ये आपका नॉट इज इक्वल टू है 3/7 और डिवाइड बाई -5/4 ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, नहीं आपका इक्वल आ पाएगा ठीक है। चलिए ये आपका हो गया कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी आपका पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका रहेगा एसोसिएटेड, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।